सिवनी से बड़ी खबर आ रही है, मध्याह्न भोजन के दाल में गिरा छिपकली। खाना खाने वाले बच्चे अभिभावक संघ पहुंचे हैं अस्पताल। इस विषय में हमारे पत्रकार सिवनी से जुड़े हुए हैं और जानकारी लेते हैं उनसे। तारकेश्वर जी, तारकेश्वर जी, सिवनी से बड़ी खबर आ रही है, बच्चे बीमार हुए हैं कोई स्कूल से और हॉस्पिटल पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? जी विनोद जी, ये सिली प्रखंड के बांसारोली राजकीय मध्य विद्यालय की घटना है। दोपहर के मध्याह्न भोजन में छिपकली दाल पे गिर गया था, उसी को खाने पे बच्चे को देर शाम उल्टी उल्टी आने लगे, तब सभी अस्पताल पहुंचे हैं। लगभग 30 स्कूली छात्र छात्राओं का अब तक सिली अस्पताल में जाँच किया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं। जी वही बीओ ने कहा कि मध्याह्न भोजन आज दोपहर में जब बना था तो लगभग 90 स्कूली बच्चे में लगभग 30 स्कूली बच्चे ने उस समय मध्याह्न भोजन खाए थे और लगभग सभी बच्चे अभी स्वस्थ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कल स्कूल में एक बैठक बुलाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, जांच कर। आखिर इस तरह की लापरवाही की कैसे? ये बीओ सुधाम मिश्रा कहना है कि संजीका द्वारा इस तरह का लापरवाही किया गया है, इस पर जांच की जाएगी। ये बड़ी दुर्घटना होते होते टला है। जी कई बच्चे बीमार हुए हैं और सभी स्वस्थ हैं अभी। जी देर शाम सुबह दोपहर में सब खाना खाए थे, देर शाम सभी अस्पताल पहुंचे हैं, अभी 9 बजे भी कुछ बच्चे अभी पहुंचे हैं अस्पताल में, जांच चल रहा है इन लोगों का। जी धन्यवाद तारकेश्वर जी, खबर के लिए बने रहे सिल्ली से सोना न्यूज़ के।